बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना। अगर मैं कहूँ ये पूरा वीडियो शूट एडिटिंग एंड VFX मैंने किया सिर्फ एक मोबाइल से तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं। लोकेशन पर आने के बाद एक हमें ऐसा हथियार चाहिए था जैसे कि शाहरुख खान ने यूज किया फाइट सीन में मारने के लिए। एक रॉड टाइप है, आगे कुछ गरारी लगी हुई है, तो पहले हम वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया अपना मोनोपॉड जिसपे हम अपने कैमरा या फिर मोबाइल लगाते हैं ऊपर की साइड। बट ऊपर की साइड अभी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चैनस पॉकेट लगाया हुआ बाइक का, तो ये लगभग वैसे ही लोग दे रहा है। हमें बिल्कुल सेम नहीं बनाना है, बस कुछ इस टाइप का ही बना लेना है जो कि लगे कि हाँ जो जवान मूवी में शाहरुख खान लेकर आ रहा है। बट उसका जो ये चरखा है वो घूमता है, बट इतना हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, हमारे ये इतना ही काफ़ी है भाई लो बजट मूवी के लिए। तो अभी जो जवान का वेपन है वो बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपने जवान मूवी देखी होगी तो ये सीन एक फैक्ट्री में होता है, धुएं में से निकल कर आता है शाहरुख खान। बट अभी हमारे पास कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, बट हमारे पास ये लोकेशन है तो हम यहाँ पर ही कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे धुएँ से। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ सूखी और कुछ गीली घास ले ली थी ताकि गीली घास से ज़्यादा धुआं निकले और आग ज़्यादा ना लगे। तो अभी हम यहाँ पर जवान की यानी कि विक्रम की एक एंट्री सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं जब हमारा धुएं में से कैरेक्टर निकलता हुआ आता है। तो एंट्री सीन हमारा हो चुका है, अब हम करेंगे फाइट सीन को रिकॉर्ड। और अगर आप सोच रहे हो कि यार वो जो उड़ने वाला सीन था जो सबसे पहले देखा था वो कैसे शूट किया है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अब हमारा फाइट वाला सीन रिकॉर्ड होने जा रहा है, इससे पहले मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ एक्टर्स को ताकि उन्हें पता हो एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है जब एक्शन बोला जाए। एक्शन नहीं है, एक्शन जाओ भाग के। मैं जाऊं भाग के? वो तो कहती तू। एक्शन जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अरे यार अरबाज हटो, चल जाओ, कट। तो यार ये सीन देखने के बाद आपका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, ये का बवासीर बना दिए हो। तो इसी वजह से ये सीन हमने धीरे धीरे रिकॉर्ड किया, जो हमारा एक्शन है वो धीरे होना चाहिए ताकि आपके एक्टर्स को भी पता हो कि आगे हमें क्या करना है, और इसीलिए आपको ये सीन अभी ऐसा लग रहा है। बट जो असली जादू होगा वो होगा एडिटिंग में। तो इस सीन में जो हमारा एक्टर है वो थोड़ा सा ऊँचा रहना चाहिए हमारे इस एक्टर से ताकि वो ईजिली अपना एक्शन कर पाए। तो आप देख सकते हैं उसके लिए हमने कुछ ऐसी जुगाड़ बनाई है। तो अभी ये जो गिरने वाला सीन है ये मैंने कैसे रिकॉर्ड किया ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अभी इसका भी बिहाइंड द सीन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे एक्टर के कोई भी चोट ना लगे इस वजह से यहाँ पर हम एक गद्दा रख लेते हैं, यानी कि एक अपने सीट रख ली है कार की ही। उसके बाद हम इसे एक फेक ग्राउंड टाइप का बना देंगे, तो जितनी भी ये घास वगैरह है हम यहाँ से आस पास से लेकर इसको इसके ऊपर रख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो गिरने वाला सीन है वो ईज़िली रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये जो हमारा एंगल है वो मैंने थोड़ा सा तिरछा रखा है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक वार्निंग है, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से यूज़ करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकीला है ये। अगर हो सके आपके पास कोई प्लास्टिक वगैरह का हो तो आप उसे यूज़ करिए, अदरवाइज़ आपको बहुत केयरफुल रहना है इसे यूज़ करते टाइम। अब यहाँ पर मैंने उसी ट्रिक का यूज़ किया है, जो हमारा एक्शन है वो काफ़ी धीरे धीरे रहेगा, जो हमारे एक्टर्स हैं वो सारा एक्शन धीरे करेंगे, बट जो उनका रिएक्शन है वो असली रहना चाहिए, जो एक्सप्रेशन वगैरह हैं, ताकि हम जब एडिट में इसको फास्ट मोशन में लगाएँ तो हमारी फाइट बिल्कुल असली जैसी लगे। इतना आसान लग रहा था ना शूट शुरू को? तो यार अभी सबकी हालत बुरी हो चुकी है शूट करते करते, अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। जवान के हमारे सर में दर्द हो चुका है और दूसरी खा रहा है, 100 रुपए डिस्प्रिन की गोली खा रहा है।
तो भाई अभी हमारे जवान की हालत बुरी हो चुकी है, जवान हमारा बुढ़ा हो चुका है। आपने ने पहले भी देखा होगा पुष्पा मूवी में, मतलब पुष्पा का भी हमने एक ऐसे शूट किया था और एक KGF का भी शूट किया था। तो हमारा काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर है यार ये, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसकी इंस्टाग्राम ID मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो हमारा पिछले सीन में कैमरा कट हो चुका था, अब ये हमारा एक और सीन रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो एडिटिंग में ये ऐसा लगेगा कि हमारा जो सीन है वो कंटिन्यूअस था, जो हमारी फाइट है वो चल रही है। तो अभी जो हमारा वीडियो शूट है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी कुछ लोग सोच रहे हो कि यार वो नहीं दिखाया वो जो बंदा उड़ रहा था ऐसे हवा में, तो भाई रुको जरा सबर करो। तो अब बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो एडिटिंग मैंने की है VN वीडियो एडिटर से, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब सिंपली सबसे पहले आपको सारी वीडियोज़ को इम्पोर्ट कर लेना है और इनका जो ऑडियो है उन्हें सबको म्यूट कर देना है। अब यहाँ पर आपको सारी वीडियोस को ट्रिम कर लेना है, जो भी आपका वेस्ट पार्ट है वीडियो में उसे आप ट्रिम कर दीजिए और जो मेन पार्ट आपने रिकॉर्ड किया है उसे आप रख लीजिए। अब यहाँ पर आपको स्लो फास्ट वाला इफेक्ट लगाना है सारी वीडियोस में। तो जो हमारा एंट्री सीन है उसमें भी 2 बार स्लो फास्ट वाला इफेक्ट मैंने लगाया है। तो अगर आपने वीडियो को स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया है तो आप इजीली यहाँ से इसकी जो स्पीड है वो स्लो कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल में रिकॉर्ड किया है तो आप कैपकट से इसकी जो स्पीड है वो स्लो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने ये एंट्री वाला सीन कैसे रिकॉर्ड किया है, जहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा धुआं भी लगाया है बाद में और एक कबूतर भी लगाया है जैसे कि जवान मूवी में उड़ता हुआ जाता है। अब जब हमारा कैरेक्टर कैमरे से दूर है तो वहाँ पर मैंने एक स्मोक वाली लेयर लगा दी है अपनी स्क्रीन पर और उसका जो ब्लेंड मोड है वो मैंने स्क्रीन पर कर दिया है, ताकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए इस लेयर में से। और इस लेयर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हमारा कैरेक्टर पास आता है कैमरे के, तो इसका हमें जो फेस है वो क्लियर दिखाना है। तो आपको क्या करना है, की फ्रेमिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और उसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर देना है। अब यहाँ पर मैंने इस वाली लेयर को इंपोर्ट कर लिया जिसमें आप देख सकते हैं एक कबूतर है, बट इसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है हमारे सीन से। तो सबसे पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लेंगे क्रोमा के ऑप्शन से और यहाँ पर थोड़ी बहुत सेटिंग करके इसका परफेक्टली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। पर अभी आप देख सकते हैं कि ये एक ही जगह पर उड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें भी की फ्रेमिंग का यूज़ करना है और इसे एक साइड से उड़ाकर दूसरी साइड उड़ाता हुआ ले जाना है। तो अब बारी आती है फाइट सीन को एडिट करने की। तो अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी फीका फीका लग रहा है, काफ़ी स्लो फाइट लग रही है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्पीड रैम्प करना है अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले जैसे ही आपका एक्टर आ रहा है भागता हुआ, आपको उतने पार्ट को फास्ट कर देना है और जहाँ पर एक्शन कर रहा है वो उसे आपको स्लो रखना है। और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी स्लो मोशन में रिकॉर्ड की थी, तो यहाँ पर मैं ईजिली और इसे स्लो कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही ये मार के हाथ हटाता है तो आपको उतने पार्ट को फिर से वापस से फास्ट में कर देना है और इतने में हमारा दूसरा एक्टर आ जाएगा, देन आपको उसे भी स्लो मोशन में कर देना है। और इसके बाद हमारा ये सीन कट हो चुका है और जो हमने अगला सीन इसे रिकॉर्ड करा था आपको उसे इसमें ज्वाइंट कर देना है। तो ऐसे ही आपको अगले सीन को भी एडिट कर लेना है। अभी आपको सिर्फ स्पीड एंड स्लो वाले ऑप्शन के साथ ही इसको अच्छे से एडिट करना है। जब आप देखें हैं कि आपकी जो फाइट है वो अच्छी खासी लग रही है देखने में, आपने अच्छे से स्पीड रैम्प कर लिया है, तब आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ें। तो अभी हमारी बेसिक जो स्पीड रैम्प वाली फाइट है वो एडिट हो चुकी है। इसके बाद अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो पहला सीन था जो बंदा उड़ता हुआ बाहर गिर रहा है वो कैसे रिकॉर्ड एंड एडिट किया। उसके बाद हम बात करेंगे कलर ग्रेडिंग एंड साउंड इफेक्ट्स की। तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन स्क्रीन का सेटअप चाहिए होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी एक ग्रीन कपड़ा बड़ा सा यूज़ कर सकते हैं या फिर मैं आपको एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं ये सेटअप कर रहा हूँ और साथ में मैंने एक स्टूल भी लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक्टर है वो उसके ऊपर बैठेगा। बाकी का जो एक्ट है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कैसे करना है। तो अभी यहाँ पर मैंने लाइट भी अच्छे से लगा रखी है क्योंकि जो जितना भी आपका ग्रीन पार्ट है वो अच्छे से हाईलाइट रहना चाहिए, अगर शेडोज रहेंगी तो वो अच्छे से रिमूव नहीं होगा और आपका जो सीन है वो भी बेकार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे भी अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला कर रख दी है ताकि जो हमारा ग्रीन पर्दा है वो अच्छे से हाईलाइट हो। तो आपको कुछ इस तरीके से एक्ट कर लेना है या एक्ट करा लेना है। एक्शन एक्शन। अब जो आपने ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी आपको उसे एज अ वीडियो लेयर इंपोर्ट कर लेना है और आपको इसे मास्क आउट कर लेना है ताकि जो आपका बाकी का पार्ट है जो ग्रीन स्क्रीन नहीं है वो मास्क आउट से क्रॉप हो जाए और फिर आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन में जाकर इसका जो ग्रीन स्क्रीन है वो अच्छे से रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर मैंने की फ्रेमिंग का यूज़ करके पहले इसे एनिमेट कर लिया है। नॉर्मल स्पीड में आपको पहले स्पीड नहीं करना है, आपको पहले एक बार इसे एक्सपोर्ट कर लेना है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करके। तो आपको पहले की फ्रेमिंग कर लेना है कि आपका कैरेक्टर कहाँ से आएगा और कहाँ पर रुकेगा और किस साइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से स्पीड रैम्प कर देना है, जैसे ही आपका कैरेक्टर जहाँ से उड़ता हुआ बाहर आ रहा है आपको उतने पार्ट को स्पीड में कर देना है और जहाँ पर वो रुक रहा है स्लो मोशन में उसे रखना है। देन आपको वापस से इसको फास्ट कर देना है ताकि जो आपका कैरेक्टर है वो जल्दी से स्क्रीन में से चला जाए ताकि आपका जो ये सीन है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगे। तो अगर आपको इस पार्ट में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इस पार्ट के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इसको कैसे एडिट किया है, कैसे इसमें मोशन ब्लर वगैरह दिया है और कैसे इसे ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं आप। तो अलग अलग ये सीन एडिट करने के बाद आप सारे सीन को एक साथ मर्ज कर लीजिए, यानी कि एक और न्यू प्रोजेक्ट बना के सारे सीन को एक साथ ले आइए। इसके बाद हम बात करते हैं कलर ग्रेडिंग की। कलर ग्रेडिंग करने के लिए आप फिल्टर वाले ऑप्शन में आ जाइए। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, मैंने ये वाला फ़िल्टर यूज़ किया है, आप देख सकते हैं इस वाली वीडियो में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी यानी कि इंटेंसिटी सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कितना रखना है, देन आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। अब आप सारी वीडियोज़ में जाके देख लीजिए किसी में ज़्यादा या फिर कम तो नहीं हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको दोबारा से फ़िल्टर वाले ऑप्शन में आ जाना है और एडजस्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम कॉपी नहीं करना है, आप अपने सीन के अकॉर्डिंग भी देखते रहिए कि आपकी वीडियो कैसे अच्छी लग रही है, बट आपको कोशिश करना है कि आपको सीन को थोड़ा सा डार्क बनाना है तो आप एक्सपोज़र को कम कर सकते हैं, आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और जो आपके हाइलाइट्स हैं आप उन्हें भी कम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तो आपके हाइलाइट्स कम हो जाएंगे आपके सीन में और आपके सीन में जो शेडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ब्लैक ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है, तो आप शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं और आपको कंट्रास्ट को भी कम कर देना है साथ में। और HSL वाले टैब में जाकर जो ग्रीन कलर है उसे आपको थोड़ा सा डार्क कर देना है, यानी कि जो उसकी चमक है वो थोड़ी सी कम कर देना है। अब यहाँ से आप अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, लेकिन आपको सारी वीडियोस एक एक करके चेक करना है कि सबके कलर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर कोई ज़्यादा हरा काला पीला तो नहीं हो गया। तो आपको क्या करना है, हर वीडियो को अच्छे से चेक करना है और यहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम देना है। टाइम जब आप इसमें लगाएंगे तो आपकी कलर ग्रेडिंग बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी और मुझे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था कलर ग्रेडिंग में। तो अब बात करते हैं साउंड इफ़ेक्ट्स की। देखो अब आपको साउंड इफ़ेक्ट में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको सिंपली क्या करना है, मैंने इस रील को अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है तो आप जाके फॉलो कर लीजिए, यूज़र नेम है @zermatics, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से मेरी इस रील को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ऑडियो अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा साउंड डिज़ाइनिंग करने में। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और यार अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, यूज़र नेम है @zermatics, क्योंकि यहाँ पर जो ये वीडियोस हैं पहले आपको मिल जाती हैं देखने को, जो भी मैं सिनेमैटिक बनाता हूँ उसका ट्यूटोरियल बाद में यूट्यूब पर लेकर आता हूँ, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, कमाल का कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि मैं आपके ऐसे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वीडियोज़ लाते रहता हूँ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।